बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे मित्रों, सैयदुल बरा सीरत पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों काजी अब्दुल दायम होरा हरिपुर शरीफ वाले सोधिया उहदी अगली लड़ी लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। इस सिलसिले च गल करदियां गल असां इत्थे मुकाई सी भी किवें हज़रत अली अलैहि सलाम होरा मरब नूं मारन मगरों कमूस दे किले दे बूहे नूं धक्का मार के खेड़ पखेड़ दिता ते किवें उन्हां नूं फतेह खैबर होण दा मान ते सत्कार मिलिया। उस लड़ाई में एक चरवाल जिहड़ा बड़ा चंद भागा बड़े नसीबा वाला साबित होया। हुण पता नहीं भई उहदा ना ही असवद सी या उहदा रंग डाढा पक्का काला होण पर ही उहनूं असवद राई आखिया जांदा सी। गल की असवद राई उन्नी दिनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दी सरकारे हाज़र होया। ये उदों की गल है जदों नबी पाक सरकार और खैबर के बाजे किलियां दुआले घेरा कत्या होया सी। उस वेले उस कोल बकरियां दा इजड़ सी ते ओ सरकार कोल हाज़र हो के आखन लगा कि या रसूल अल्लाह सरकार, मैं मुसलमान होण दा रीजवान हाँ ते मैनू इहदा ढंग दसो। नबी पाक सरकार और उन्हूं अल्लाह ते रसूल की राह दसी ते उस वेले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ते रजोई करन लगा कि या रसूल अल्लाह सरकार, मैं किसी का चरवाल हाँ ते बकरियां मेरे कोल मालक दियां उहदी अमानत ने ते इन्हां बारे सरकार दा की हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे कि इन्हां दे मूँह ते कोई शै मार ते इह आपूं ही अपने मालक कोल टुर जाणगियां। मुड़ असवद राई ने कंकरां दी मुठ फड़ के उत्थों ते बकरियां दे मूँह ते मारी ते आखिया, जाओ अपने मालक कोल टुर जाओ, मैं हुण कदी परत के नहीं आउणा। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੰਜ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੰਡ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਅਤੇ ਘੜੀ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਮੁਜਾਹਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਤੀ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले ही वसलम होरा उन्हां वाले एक नज़र वेख्या तो मुड़ एकदम नज़रां फेर लईआं। सहाबा कराम होरा हैरानी ना पुछिया कि या रसूल अल्लाह सरकार, इंज यकदम अखियां फेर लैण दा कारण की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम फरमान लगे कि उहदे कोल दो हूरां आईआं होईआं ने जो जन्नत विच उस दीआं सवाणीआं ने, इस पारों मैं उधरों छेती अखां फेर लईआं ने। सुभान अल्लाह, किड्डे उच्च भागी सन असवद राई रजी अल्लाह ताला अन्हो। ना कोई नमाज पढ़ी ते ना कोई रोज़ा रखिया, बस ईमान लियाए ते चंद घड़ियां तो मगरों अपनी जान इस्लाम लई कुरबान कर दिती ते फिर एड्डी उच्ची शान पाई पे उन्हां नूं जी आया नूं आखण लई उस वेले जन्नत चों हूरां उतर आईआं। मुड़ किले फतह करन मगरों कुछ दिनां ताईं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां खैबर दी जूह विच डेरा लाई रखिया ते उस वेले उसे वेले ही उतों हाथ आई माल दौलत जिहड़ी है वह वंड वेतर भी करते रहे तो उहदे तों इलावा फतह किए गए इलाकों दीआं जमीनां दा भी जिहड़ी वंड वेतर उन्हां कीती। पर इंज दीआं गल्लां दे वेरवे वल जाण दी एड्डी लोड़ नहीं। इस गल नूं छड्ड के नबी पाक होरां एक होर ईमान वधाऊ मौजज़ा बयान कर उहदा दा मतलब जिहड़ा उन्हां ने मौजज़ा विखाया वह बयान करदे आ। ਜਦੋਂ ਮਰਹਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਭੁੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਰਾ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਤੀ। नबी पाक सरकार होना कुछ सहाबियों के नाल रल के उन्हों खाण लगे तो उन्हें बुरकी मूँह पाद्या सारी बहर कढ़ दिती ते फरमान लगे कि ना खायो जे इहदे विच जहर पिया है जे। मुड़ सहाबा कराम होना उस वेले हथ पिछा कर ले, पर एक सहाबी हज़रत बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होरां दे संघों कुछ बोटी जिहड़ी है थले लै गई ते मुड़ कुछ दिनों मगरों वह उस जहर के असर पारों शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरा उस ज़ैनब नूं सदवा के पुछया भी इस बकरी दे गोश्त विच जहर तोर लाया सी? उन्हें आख्या आहो ये काम मैं ही कीता सी। उन्हें झक हो के मतलब सगों ये जवाब दिता, ये नहीं मुकरी ना, सगों उन्हें झक हो के आख्या कि आहो ये काम मैं ही कीता
ते पुछन लगी कि तुहानू ये गल किने दसी है। नबी पाक फरमान लगे कि मैनू इस डोई ने दसिया जो मैं इस वेले हाथ च फड़ी हुई है। वह आखन लगी डोई ने ठीक ही दसिया। मुड़ नबी पाक पुछन लगे भी तू ये हरकत कानू कीती कादे लई कीती ते किदे आखे दे कीती। ज़ैनब आखन लगी कि मेरा ख्याल से भी जे तुसी सच्चे नबी होए तो यह जहर तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पर जे तुसी झूठे नबी होए यानी अल्लाह की मखलूक की तुहाडे तो जान छुट जाएगी। अपने जुर्म बारे एडी नंगी नेत्री गल करन मगरों वह वड्डी तो वड्डी सजा की हकदार सी, पर नबी पाक और उन्हूं माफ़ी दे छड़ी ते उन्हूं भोरा भी सजा ना दिती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम और दा ए मौजज़ा ते चंगा वरतारा वेखदिया ज़ैनब ने उस वेले कलमा पढ़िया ते ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गई। खैबर की फतह मगरों नेड़े दियां आबादियां ते जमीनां विच मुसलमानां दे ओ कब्जा कर लिया सी, सारियां उन मुसलमानां दे कब्जे च आ गईयां सन। उन्हां ही जमीनां जो बाग भी सी जिहदा नाम बाग ए फिदक दे नां तों मशहूर है, ते नबी पाक होरां उस बाग नूं अपनियां जाती लोड़ां लई अपनी वरतों हेठ रख्या होया सी, पर फिर भी उस बाग की आमदन का कुछ हिस्सा गरीबां मसकीनां ते रंडियां बीबियां ते यतीमां दी इमदाद ते लग जांदा सी। नबी पाक सरकार दे ओला कारजां तों मगरों विरासत के कानून नूं सामने रखदिया हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्ला होना विरासत का हिस्सा मंगया सी, पर हज़रत अबू बकर सदीक और आख्या भी नबियां की विरासत आम लोगों वांगर वारसा विच नहीं वंडी जा सकती। तो नबी पाक होर की इस हदीस का हवाला दिता जिदे अंदर उन्हें फरमाया सी कि असी सारे नबी किसी नूं अपना वारस नहीं बनाते, असी जो कुछ छड के जाते हाँ वह सदका हुंदा है। मुड़ के सदीक अकबर हुआ उसनू बैतुल माल की मलकीयत बनाता, तो इंज नबी पाक सरकार होरां दे घर दा जिहड़ा खर्चा कढ़ के रहिंदा खुंदा सब कुछ गरीबां मसकीनां दे विच वंड दिता जांदा सी। इंज सदीक अकबर भी पाक बीबियां दा हिस्सा उन्हां नू दे देंदे सन, तो जो कुछ बच जांदा सी उहनू लोड़वंदां विच वंड देंदे सन। इसे गजबे तो बाद लड़ाई तो मगरों हज़रत सफिया होरां दा निकाह दो जग दे वारस नाल हो गया ते ओ मोमना दी मां बन गई। इस दा पूरा जिहड़ा जिक्र है वह नबी पाक दियां जिहड़ियां अज़वाजुल मुतहरात ने उन्हां दे विच आवेगा। हदैबिया वाली सुलह विच मक्का वालियां नाल मक्का वासियों नाल मुआहदा होया सी भी नबी पाक ते होर मुसलमान आउंदे वरे उमरा करन लई आउणगे, पर बस लोहड़ी दे हथियार तों छड के होर कोई किसी लड़ाई लड़ूई वाले किसी किस्म के हथियार पत्र नाल लै के मक्के दे विच पैर नहीं पाणगे। ये लोग उमरा करन लई बस तीन दिन मक्का विच रहणगे ते फिर मुड़ जाणगे। खैबर की फतह तो मगरों यहूदियों वालों धड़कू मुक गया सी भई वह परत के कोई शरारत कर सकनगे। होर कबीले भी जिहड़े ने खैबर की फतह तो मगरों काफ़ी जरग गए हैं, इसलिए उन्हां वालों भी कोई धड़कू नहीं सी रह गया भई ये कौन मुसलमानों पर हमला करनगे। मुण नबी पाक और साल मुकदियां सार जी काद सत हिजरी विच उमरा करन दी सलाह बनाई ते फरमान लगे भी जिन्हां हदैबिया वाली सुलह विच रलत कीती सी वह भी जरूर नाल चलणगे। उन्होंने हुक्म ही दिता भई हर बंदे नूं पूरे हथियार पत्र नाल लैके तत् हो के जाना चाहिए। इस हुक्म नूं सुनदिया सार साहबा करामां नूं बड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने रजोई की भी यार रसूल अल्लाह सरकार मुआहदे अंदर तो यह गल मुकी हुई सी भी कोई भी हथियार लैके मक्के विच नहीं जाएगा। नबी पाक फरमान लगे कि असी मुआहदे मुताबक अपने हथियार पत्र मक्के तो बार बार ही रख देंगे, पर असला साढ़े हथां नेड़े तो होना चाहिए ता जो साढ़े वैरी किसी किते कारे तो मुकर के सानू खाली हाथ जानते हो साढ़े ते हल्ला भी बोल देन तो घट्टो घट असी अपना बचा तो कर सकीए। सुभान अल्लाह किसी अणडिठे वक्त नाल निबड़न लई एक किड्डी सुचज्जी ते सियाणप भरी गल सी जिदे बारे नबी पाक होरां पक्की कर दित्ती। उस पासे टुरन तो अगदू नबी पाक सरकार होरां नबवी मस्जिद दी विचों ही अहराम बन लिया ते ज़ुल खलीफा पढ़ के मतलब कि आप और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबने मुसलमा की गवाही हेठ घोड़सवारों का एक दस्ता जिहड़ा ना नबी पाक और अगे तोड़ दिता, मगरों सहाबियों के नाल पेंडे पै गए। हज़रत मुहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इबन मुसलमा काली काली पेंडा करते हुए मक्का के नेड़े रतरान नाँ की थान के उत्ते अपड़ गए, तो जांदियां नूं उत्थे कुरैश कबीला के कुछ लोग आए बैठे सन। उन्हें जदों हज़रत मुहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इबन मुसलमा होरां नूं पूरे हथियारां पत्रां नाल तत् होया वेख्या तो उन्होंने यह धड़कू लग पिया भई ये कितें मक्का उत्ते हमला करन लई ते नहीं आए,
मुड़ उन्हें हज़रत मुहम्मद इबन मुसलमा कोलों दो जग के वारिस होर बारे पूछा तो हज़रत मुहम्मद इबन मुसलमा होर दस्या भी वह भी चौखे सारे संगियां साथियों के नाल पिछे लगे आते हैं तो अल्लाह चाहे कल तीकर वह भी इतने अपड़ जाएंगे। ये सुन के क्रैश वालों ते की पसूड़ी पई तो उन्होंने आने के बारे की समझिया प्यारे दसांगे असी अगली वीडियो।